नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एबीपीएस न्यूज के खास कार्यक्रम में। हमारे साथी यासीन और अनीस जो हमारे खास रिपोर्टर हैं पहुंचे ग्राम मूडा पांडे और उनकी मुलाकात हुई मूडा पांडे ग्राम के प्रधानपति से। ग्राम पंचायत मूडा पांडे, ब्लॉक मूडा पांडे, जिला मुरादाबाद, प्रधानपति ने अपनी समस्या और अपने बारे में अपने द्वारा बहुत सारी बातें बताई हमारे रिपोर्टर को, जो कि हम आपको सुनवा रहे हैं और दिखा रहे हैं एबीपीएस न्यूज चैनल के माध्यम से। तो देखिए साथियों, एबीपीएस के माध्यम से ग्राम प्रधान मूडा पांडे के द्वारा बताई गई बहुत सारी बातें। मैं प्रधानपति मूडा पांडे, ग्राम पंचायत मूडा पांडे, ब्लॉक मूडा पांडे, जिला मुरादाबाद। आज जो कोरोना काल में हमारे लिए, प्रधानों के लिए समस्या आई हैं, उनके लिए सरकार ने भी कुछ नहीं सोचा है। प्रधानों ने कैसे कैसे जनता के लिए एडजस्ट किया है, उनकी समस्या को समझाया घर घर जाकर, लेकिन उसके उपरांत हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसका धीरे धीरे हनन होता जा रहा है, जिसमें सरकार बिल्कुल प्रधानों की तरफ को नहीं देख रही है। और इसमें 14वां वित्त की जो किस्त है उसका भी पता नहीं कहाँ है हमारी। उसके उपरांत जो हमारा मानदेय होता है, ग्राम पंचायत का जो मानदेय है वो 3500 रुपये है, ले एक वो फोर्थ क्लास के भी कर्मचारी से बहुत ही कम अगर देखा जाए, मानते बहुत कम है। लेकिन उसके उपरांत भी पंचायत में जो ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है उसके अनुसार गांव की जन जन समस्याओं को घर घर जाकर, जो समस्या भी होती है, पर्सनल समस्या भी है, ग्राम पंचायत की समस्या भी है, शहर का आना जाना भी है, उसके उपरांत भी उस मानदेय को नहीं दिया जा रहा है। इसी में हमारा जो 15वां वित्त का है उसमें भी 30% हमारे लिए दिए गया, उसमें भी कटौती कर दी गई है। उसके उपरांत पूरा प्रधान संगठन एकजुट होकर इस चीज़ का विरोध करती है। इसके लिए शासन प्रशासन से प्रधान संगठन जन आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके अपने अधिकारों को मांगने की मांग करता है। और धीरे धीरे जो हमारी क्या कहते हैं अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, उसको भी पूरा प्रधान संगठन एकजुट होकर एक मोर्चा निकालकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।